गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी स्टार्ट यूनिट नंबर 5. सो अप टू लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस अप टू प्रेपरेशंस ऑफ कोलाइड्स. सो वी ऑलरेडी डिस्कस लायोफोबिक सोल्स, वी आर इजिली प्रिपेयर्ड एंड लायोफोबिक कोलाइड्स. देर आर टू वेज, विच वन वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो, दैट इज कंडेंसेशन मैथड. सो टूडे वी डिस्कस सेकेंड मैथड, दैट इज डिस्पर्शन मैथड. सो इन दिस मैथड लार्ज पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस आर ब्रोकन इन टू स्मॉलर पार्टिकल. सो दी मैथड्स आर गिवन बिलो. फर्स्ट वन इज मैकेनिकल डिस्पर्शन. सो वट वी डू दिस मैथड, इन दिस मैथड दी सब्सटेंस फर्स्ट ग्राउंड टू कोर्स पार्टिकल एंड दैन मिक्सड विद द डिस्पर्शन मीडियम टू गैट सस्पेंशन. असी पार्टिकल्स नू पहला सस्पेंशन दे विच चेंज करते हैं, दैन ग्रेंडेड इन कोलाइडल मिल टू चेंज इट इन कोलाइडल साइड रेंज. यानी कोलाइडल मिल दे विच असी उनू की करते हैं, पीसते हैं, जिवें चक्की साडे कोल कणक पीसते हैं असी, उहदे तों आटा बनता. सेम तरह की साडे कोल जिहड़ी कोलाइडल मिल हुंदी है डिस्कस दे विच, साडे कोल उपर दी असी इह सस्पेंशन जिहड़ी पास आउट करते हैं तो वो जिहड़ियां डिस्कस ने आपस दे विच साडे कोल रोटेट होंदियां ने ओपोजिट डायरेक्शन दे विच इक दूजे दे विच, जिहदे करके वो पार्टिकल्स ने जिहड़े उस कोलाइडल साइज़ की रेंज दे विच आ जांदे हैं. जिवें फॉर एग्जाम्पल जिहड़ी ब्लैक इंक है वह इस मैथड दे नाल साडे कोल कोलाइडल साइज़ की रेंज लैके आ जांदी है. पेंट्स हो गए, डाइस हो गए. सो इस मैथड दे नाल साडे कोल जिहड़े हैगे आ असी कोलाइडल साइज़ दे विच लिया के उन्हां दी जिहड़े हैगे आ मकैनिकल डिस्पर्शन मैथड दे नाल उन्हां नूं कोलाइडल सोल्यूशन दे विच फॉर्म करदे आ. नैक्सट है बाय इलैक्ट्रिकल डिस्पर्शन और ब्रेडेगार्क मैथड. In this method, we used to prepare the soles of metals like a platinum, silver, copper or gold. Prepare by this method. So what we do in this method? In this method, the electrodes of metals immersed in water. Jedi metal di assi sole taiyar karni hai, usse metal di electrodes assi water de vich jede dip karne hai, and the dispersion medium is kept cool by freezing mixture. Jani jis container de vich assi डिस्पर्शन मीडियम लिया तो वो इलैक्ट्रोड जोड़े फिट किए हैं उस मीडियम के आले दुआले असी जी कूल इंसुलेशन रखनी है ताकि साढ़े को वैन वी पास आ हाई वोल्टेज करंट तो जोड़े साढ़े को हौली हौली मेल्ट होलैक्ट्रोड तो वो जी है ज़्यादा अमाउंट हीट प्रोड्यूस होगी ताकि वह इमीडिएटली कूल कर सके तो साढ़े कोलाइडल सोल है जी सोल है वो फॉर्म हो सके. सो एन इलैक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक्ट बिटवीन द इलैक्ट्रोड्स ड्यू टू हाई हीट जनरेट आर्क वेपराइज द मैटल एंड विच इमीडिएटली कंडेंसड इन टू लिक्विड टू गिव अ कोलाइडल सोल्यूशन एंड वी ऑल्सो एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. सो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सो दिस कंटेनर डिस्पर्शन मीडियम विच इज़ वॉटर, जोड़ा साढ़े को वॉटर है. सो दीज आर द इलैक्ट्रोड्स आइदर यू कि तुसी किस मैटल की जी सोल हो प्रपेयर कर रहे हो, प्लैटिनम की, गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की. सो वो इलैक्ट्रोड्स असी कनैक्ट किया हुआ कि इलैक्ट्रिसिटी के नाल, ये साढ़े को कैथोड है, ये साढ़े को एनोड है. सो वैन वी पास आ लार्ज, ये साढ़े को की है आइस बात है जिदे विच दी साढ़े को कंटेनर रखे हुआ, क्योंकि वैन वी पास आ हाई वोल्टेज करंट थ्रू दीज इलैक्ट्रोड तो साढ़े को वॉटर के थ्रू इन साढ़े को जी एक आर्क आ जी हैगी सैटअप हो जानी है, जिदे करके इतों थोड़ी थोड़ी मैटल के पार्टिकल साढ़े को हो जाने हैं टुट टुट के वॉटर के जाने शुरू हो जाने, क्योंकि साढ़े को हीटिंग के नाल ये वेपराइज हो जानी है, क्योंकि असी वो जोड़ा है बॉयलिंग पॉइंट तक उन्होंने जी करंट वो पास आउट करते हैं, जिदे करके वेपर स्टेट के बदलने शुरू हो गए. वेपरस साढ़े को जाने शुरू हो गए वॉटर के. सो आले आले दुआले असी इंसुलेशन लाई हुई है, कूलिंग इंसुलेशन लाई हुई है, जिदे करके वो वेपर फॉर्म की बजाय साढ़े को इमीडिएटली मेल्ट होने तो बाद साढ़े को कितने आ जाते हैं, वेपरस बनने तो बाद उस लिक्विड के आ जाते हैं जोड़े इमीडिएटली कंडेंस हो जाते हैं तो इस वॉटर के सोल है जी प्रपेयर हो जाती है. सो इन दिस वे वी एड वी प्रपेयर द सोल्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लैटिनम मेटल. सो वी ऑलसो एड द स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विच एक्ट एज अ स्टेबलाइजर, क्योंकि जो लायोफोबिक सोल्स ने उन्होंने स्टेबलाइजर एड करनी रिक्वायरमेंट होंगी है, क्योंकि अदरवाइज वो साढ़े को स्टेबल नहीं होंगे. नैक्सट मैथड है दैट इज़ ऑलसो इंपॉर्टेंट मैथड बाय पैप्टाइजेशन. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रैशली प्रपेयर्ड प्रेसिपिटेट इन टू क्लाइडल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलैक्ट्रोलाइट यूज फॉर दिस परपज़ इज़ नोन एज पैप्टाइजिंग एजेंट. यो प्रोसेस है जिदे असी फ्रैशली प्रेसिपिटेट्स कोलाइडल सोल्यूशन दे विच चेंज करते हैं बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सूटेबल इलैक्ट्रोलाइट, कि किस टाइप के साडे को प्रेसिपिटेट ने कोरसपोंडिंग असी इलैक्ट्रोलाइट असी फिल करते हैं जोड़ा उन्होंने कादे लै जाता है कोलाइडल रेंज के लै जाता है. सो दीज इलैक्ट्रोलाइट्स आर कॉल्ड पैप्टाइजिंग एजेंट. इट्स अ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन
फॉर एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो जो लास्ट मैथड है दैट इज ऑलसो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इन केस ऑफ एम सी क्यू वट टाइप ऑफ स्टेबलाइजर वी एड इन दी ब्रिडगार्क मैथड एंड वट इज़ पैप्टाइजेशन डेफिनेशन आ जाती है पेपर के. सो वट इज़ अ कॉज ऑफ पैप्टाइजेशन. सो वैन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट द सूटेबल आयन गैट एडजॉर्ब फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ प्रेसिपिटेट. वो की होंगे साढ़े को जो असं इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं फ्रैशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के तो जो एडड इलेक्ट्रोलाइट आदेशों प्रेसिपिटेट्स ने जोड़े सिलेक्टड आयनज जो एडजॉर्ब करते हैं जोड़े चार्ज पार्टिकल्स ने एक दूजे रिपेल करते जिद करके साथ को कोलाइडल सोल्यूशन जोड़ा है फॉर्म हो जाता. फॉर एग्जाम्पल प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एडिशन ऑफ समॉल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड. समॉल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड असं ये एड करते हैं जिदा गिव्स अ रेडिश ब्राउन कलर्ड कोलाइडल सोल्यूशन. सो इस इलेक्ट्रोलाइट तो ही एफ ई थ्री पॉजिटिव आयन जोड़े है एडजॉर्ब कर लेना अपने सर्फिस से जिद करके साथ रिपल्शन आ जाए. रिपल्शन करके पार्टिकल्स ने जोड़े फेरिक हाइड्रोक्साइड के साढ़े को कट्ठे नहीं होंगे जिद करके सोल कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज में आ जाते. जिमें फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये आले दुआले पॉजिटिव चार्ज हरेक मॉलीकूल के आले दुआले डिवेलप हो गया. वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अलग अलग फेरिक हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स को सैपरेट रखते हैं क्योंकि सेम चार्ज एक दूजे की करते हैं रिपेल करते हैं. सो इस वे के नाल साढ़े को जी है कोलाइडल पार्टिकल की रेंज आ जाती है. सो फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट विद द एडिशन ऑफ फेरिक क्लोराइड due to the adsorption of Fe3 positive ion on every molecule of ferric hydroxide to get change into a colloidal solution of ferric hydroxide. So ek tarah di positive charge positively charged sade ko sol hai. Similarly when we add a silver nitrate and silver chloride PPT it will form a silver chloride sol because it adsorbs silver ions. So sade ko silver ions ne jehde oh adsorb kar lende ne solution cho. So these are the three methods under the dispersion method by which we prepare lyophobic soul. So these three methods are important for examination point of view. Next we discuss how can we purify the colloidal solution. So purification of colloidal solution. So the colloidal solution prepared by above methods will contain a number of impurities especially those electrolytes which can destabilize the soles. क्योंकि असं इलैक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं कितने ना कि इंप्योरिटीज़ प्रजेंट होंगे. सो इट इज़ नैसेसरी टू रिमूव द इंप्योरिटीज़ फ्रॉम द कोलाइडल सोल. सो प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन नंबर ऑफ इंप्योरिटीज़ प्रजेंट इन सोल विच डीस्टेबलाइज द सोल. सो वाई वेरियस मैथड वी रिमूवड बाई मैथड्स दे आर रिमूव. सो फर्स्ट वी डिस्कस द डायलिसिस प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ क्लाइड फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टलाइड्स और क्लाइड्स बाय मीनस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मैमब्रेन. ये वो प्रोसेस है जिदे असी जी है इंप्योरिटीज़ उन्होंने असी क्लाइड्स के डिफ्यूजन मैथड के नाल एक पर्टिकुलर मैमब्रेन थ्रू साढ़े को पास आउट करके उन्होंने असी रिमूव करते हैं. जिमें साढ़े को कई बार दुध है जोड़ा फट जाता है उस तो बाद असं एक कपड़े दे बन के लटका दें जिद साढ़े को ड्रॉप वाइज जो वाटर निकल जाता है. जिमें साड़ी किडनी है वो ब्लड नू साढ़े को प्योरीफाई करती है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस. सो सेम वे असी जो है कोलाइडल सोल्यूशनज इंप्योरिटीज़ तो इंप्योरिटीज़ रिमूव करते हैं. सो वट इज़ अ प्रिंसीपल अंडर दिस मैथड. कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू अ पार्चेंट ऑफ सेलफॉन मैमब्रेन while the ions of electrolyte can pass through it. क्योंकि जोड़े कोलाइडल पार्टिकल्स ने उन्हों का जोड़ा साइज़ है वो इस मैमब्रेन के थ्रू साढ़े को पास नहीं होंगे बट जोड़े आयनस ने इलैक्ट्रोलाइट के ईजली पास हो जाते हैं. जिमें वी रिमूव ईजली एच सी एल फ्रॉम फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल ईजली साढ़े को रिमूव हो जाता. सो द कोलाइडल सोल्यूशन टेकन इन अ बैग मेड अप ऑफ सेलोफॉन और पार्चेंट मैमब्रेन. दिस बैग इज सस्पेंडेड इन फ्रैश वाटर एंड द इंप्योरिटीज़ slowly diffuse out of the bag leaving behind the pure colloidal solution. So इस तरह असी साढ़े को parchment membrane का component है जिसे असी ये सोल पाई है वाटर के प्योर वाटर के लटका देना. हौली हौली जी इंप्योरिटीज ने ये बाहर आनी शुरू हो जाए क्योंकि इस मैमब्रेन के थ्रू साढ़े को जी है ओनली कोलाइडल पार्टिकल्स ने जोड़े वो नहीं निकल सकते बाकी जी इंप्योरिटीज़ ने साढ़े को रिलीज़ हो जाए. सो इस मैथड के नाल असी इंप्योरिटीज़ रिमूव करते हैं. बट नैक्सट मैथड है इलैक्ट्रोडायलिसिस. डायलिसिस प्रोसेस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस. सो इट इनक्रीज़ बाय अपलाइंग इलैक्ट्रिक फील्ड. सो इस प्रोसेस में असी इनक्रीज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलैक्ट्रिक करंट. सो असी दो इलैक्ट्रोड फिट करते आले दुआले जो असी करंट पास आउट करा
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਏ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਪਿਓਰ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਬਾਏ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਏ ਪਾਸਿੰਗ ਇਟ ਥਰੂ ਅ ਗ੍ਰੇਡਡ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ, ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਆਰਡਨਰੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੂ ਈਜ਼ਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਰਸ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਨਰੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਲੈਬ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡਡ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਇਨਪਰਗਨੇਟਿੰਗ ਦੈਮ ਵਿਦ ਕੋਲਾਈਡਨ ਔਰ ਗਲੈਟਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੋਪ ਕਰਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਾਈਡਨ ਔਰ ਗੈਲਾਟਿਨ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ 4% ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਈਟਰੋਸੈਲੂਲੋਜ ਇਨ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਈਥਰ। ਨਾਈਟਰੋਸੈਲੂਲੋਜ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਈਥਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਡਿਪ ਆਰਡਨਰੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਇਨ ਦਿਸ 4% ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਗੈਲਾਟਿਨ, ਦੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਪੋਰਸ ਆਫ ਦੀ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਅ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਗ੍ਰੇਡਡ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿਓਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਡੂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅਲਟਰਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਇਨ ਅ ਟਿਊਬ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਐਨ ਅਲਟਰਾ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗ ਔਨ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਆਫ ਟਿਊਬ ਐਟ ਹਾਈ ਸਪੀਡ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫੈਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨੀਆਂ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਸ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਮੈਥਡਸ ਬਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਦੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਸ ਔਰ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਅੰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਆਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਦ ਇਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਦੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਸੋ ਫਸਟ ਵਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕਰੈਕਟਰ ਔਰ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਨੇਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਡਾਈਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ, ਬਟ ਐਕਚੁਲੀ ਦੇ ਆਰ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦਿਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦਿਖਦਾ, ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਸੀ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਨੇਚਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਵੀ ਸੀ ਏ ਨੇਕ ਡਾਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ, ਬਟ ਐਕਚੁਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਬ੍ਰੋਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਬਲ ਨੇਚਰ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਸਟੇਬਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਸੈਟਲ। ਸੋ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਈਜ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਵੈਰੀ ਸਲੋਲੀ, ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਲੋ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਦੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸਟੇਬਲ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਫਿਲਟਰੇਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ
in ultrafiltration and ultracentrifugation or dialysis, colloidal solids can pass through ordinary filter paper but not from animal or vegetable membranes. So इस membranes के through साढ़े को pass नहीं करते क्योंकि size of colloidal particle is lesser than the size of pores of filter paper. So इस करके साढ़े को ईजली ऑर्डनरी फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं, बट अल्ट्रा फिल्टर पेपर एनीमल या वैजीटेबल मैमब्रेंस के थ्रू ये पास नहीं होंगे क्योंकि वो जो अभी पोर्स का साइज और डिक्रीज कर देने विल द हेल्प ऑफ कोलाइडन और गैलेटिन सोल्यूशन. सो इस वे असी ईजली इंप्योरिटीज़ भी रिमूव कर सकते हैं, बट ऑर्डनरी फिल्टर पेपर के थ्रू यह ईजली पास आउट हो जाते हैं. सो इफ यू हैव एनी डाउट अप टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन यू कैन कॉल मी or send messages. Thank you.